नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लाई हूँ अपने स्टफिंग वाले बड़े की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी बन के तैयार होती है। मेदू बड़े तो आप लोगों ने बहुत बनाई होगी और बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से स्टफिंग वाले बड़े बना कर देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए कैसे बनाना है देख लेते हैं। के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम उड़द लिए हैं, धुली हुई उड़द है ये, जिसे कि 4 से 6 घंटा भिगो लिया है और साथ धोकर साफ कर लिया है और पानी से छान कर ले लिया है। अब इसे पीसेंगे। पीसने के लिए आप इसे ना ही ज़्यादा चिकना पीसें और ना ही ज़्यादा दरदरा, मीडियम में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करके का एक थिक बेटर बना के तैयार करेंगे। तो चलिए पीस के लाते हैं। मैंने उड़द को पीस लिया है, देखिए ये कितना थिक है। इसी तरह आप भी पीसें, ना ही ज़्यादा इसे चिकना करेंगे और ना ही ज़्यादा दरदरा, थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करके इसे इसी तरह थिक पीसेंगे, तभी बड़ा हमारा स्वादिष्ट बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए इसे एक बड़े बर्तन में पकड़ लेते हैं। मैंने सारे उड़द को पीसकर एक बड़े बर्तन में पकड़ लिया है। अब इसमें कुछ सामान डालेंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। साथ ही यहाँ मैंने कूटकर धनिया लिया है 1 चम्मच, इसे डाल देंगे। इसे डालने पे बड़े हमारे स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना आप स्किप करें। अब इसे फेंटेंगे लगातार, इस तरह एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए इसे कम से कम 5 मिनट फेंटेंगे। 5 मिनट फेंटने के बाद अब इसमें प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज काटे हैं, आधा को इसमें डालेंगे और आधा को स्टफिंग के लिए रख लेंगे। साथ ही हरी धनिया डालेंगे और इसके साथ इसे अच्छे से फेंट लेंगे और 5 से 7 मिनट इसे फेंटेंगे। बड़े बनाने के लिए उड़द को फेंटना बहुत ज़रूरी है। आप जितने अच्छे से इसे फेंटेंगे आपके बड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। और 7 मिनट फेंटने के बाद देखिए ये कितनी फ्लफ़ी हो गई है, बहुत ही हल्की लग रही है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, एकदम सफ़ेद दिख रही है। आप अगर पता करना चाहते हैं कि ये अच्छे से फेंटी है कि नहीं, तो क्या करें, मैं आपको बता देती हूँ। आप फेंटने के बाद कोई भी एक कटोरी में इस तरह पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा बेटर डाल के देखें। अगर ये नीचे बैठ जाती है तो इसके मतलब अच्छे से नहीं फिटी है, और अगर इस तरह ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब ये अच्छे से फिट गई है। अब इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। ये जब तक रेस्ट लेती है तब तक इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी फ्रेश मटर लिया है। अब इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे। साथ ही मैंने यहाँ ये 8 से 10 कली लहसुन ली है, इसे डाल देंगे। साथ ही 1 इंच अदरक, इसे भी डालेंगे। और मैंने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालकर इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मैंने मटर को पीस लिया है, देखिए ये किस तरह पीसी है, हमारे दरदरा दाने दाने। इसी तरह आप भी पीसें, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मैंने गैस पे एक कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल के गरम होते ही इसमें 1/4 चम्मच सरसों डालेंगे और इसे चटकने देंगे। साथ ही 1/4 चम्मच जीरा, और इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। जीरा और सरसों के चटकने के बाद इसमें अपना कटा प्याज डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब गैस का फ्लेम लो में रख लेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ली है, साथ ही 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सारी चीज़ों को 1 मिनट लो फ्लेम पे ही भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें अपना पिसा हुआ मटर डाल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसी समय मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे कि उबालकर इस तरह मैश कर लिया है। इसे डाल देंगे। थी नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और बाकी जो बचाया हुआ था हम लोगों ने हरी धनिया, उसे डाल देंगे। थी मैंने यहाँ 1 नींबू का जूस निकाला है, इसे डाल देंगे। आपको खटाई में जो भी पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए और 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट के बाद हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में पकड़ लेंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, पेड़े जैसे। आप ज़्यादा बड़ा बड़ा ना बनाएं, छोटी छोटी इस तरह देखिए। आप चाहे तो दोनों हाथों से इस तरह बना सकते हैं, इस तरह करें और इसे थोड़ा फ्लेट कर दें। इस तरह छोटा छोटा आप लोइयां बना लें।
आसान है इसे बनाना। देखिए इस तरह छोटा छोटा बना लें, सारे को इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी लोइयां बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसे क्या करना है। हमारा उड़द भी सेट हो चुका है। अब इसे कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। आप दोनों हाथों को पहले पानी से अच्छे से ग्रीस कर लें, उसके बाद थोड़ा सा डो लें और उसे इस तरह गोल गोल करके इस तरह फ्लैट कर दें। फ्लैट करने के बाद इसमें अपना मसाला स्टफिंग भरेंगे और साथ ही थोड़ा सा डो और लेंगे और उसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। आप हाथों को हमेशा पानी से ग्रीस करें तो हाथ में ये नहीं चिपकेंगी। हमारे ये बड़े थोड़े बड़े साइज के बनते हैं लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और हाथों को इस तरह पलट कर निकाल लें, उसे साइज में कर लें और तेल में डालें तो ये आसानी से बन जाएगी। मैं एक तरीका और आपको बता देती हूँ। आप कोई भी इस तरह का फ्लैट कटोरी ले लें और उसको पानी से इस तरह पहले ग्रीस कर लें और उसके बाद थोड़ा सा डो लें, उसका एक लड्डू बनाएं और इसमें डालें और थोड़ा फ्लैट कर दें। फ्लैट करने के बाद उसमें अपना मसाला भर लें और साथ ही ऊपर में और थोड़ा बेटर इस तरह डालकर उसे अच्छे से सेप दे दें तो ये भी हमारी आसानी से बन जाएगी। और इस तरह पलट कर इसे तेल में छोड़ देंगे तो बन जाएगा। चलिए तेल गर्म होने के लिए मैंने रख लिया है, आगे देख लेते हैं तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं। पहले चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर डालेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से बबल उठ रही है, इसका मतलब अच्छे से गरम है। अब गैस का फ्लेम मीडियम में रख लेंगे। तेल को गरम होने तक आप गैस का फ्लेम हाई में रख लें, उसके बाद बड़े लगाते समय मीडियम फ्लेम कर लें, वरना बड़े हमारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से नहीं पक पाएंगे। मैंने जो कटोरी में बनाया है उसे पहले आपको डाल के बताती हूँ। इस तरह आप उसे तेल में धीरे से छोड़ लें। देखिए आसान है इसे लगाना। अब मैं आपको हाथ वाला बता देती हूँ। हाथ वाले को भी इस तरह पकड़ें और सावधानी से इस तरह धीरे से छोड़ें तो आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह सारे बनाएंगे और एक मिनट के बाद ही इसे पलटेंगे। हाथों को पहले पानी से ग्रीस किया, उसके बाद बेटर डालकर इसे फ्लैट कर दिया। अब इसमें अपना मसाला भरेंगे और इसके ऊपर फिर से बेटर डालेंगे। देखिए आसान है इसे बनाना। और उसके बाद इसे सभी तरफ से अच्छे से कवर कर लेंगे और हाथ को इस तरह उलट करके इसे दूसरे हाथ में ले आएंगे और आसानी से इसे छोड़ देंगे। देखिए कितना आसान है इसे बनाना। आप धीरे धीरे करके बनाएं तो आपसे भी आसानी से ये बन जाएगी। मैंने जो दो बड़े पहले लगाया था वो हमारे कितने अच्छे से हो गए हैं देखिए। अब इसे निकाल लेंगे। आप गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखें और धीरे धीरे बनाएं। और जब अभी मैंने लगाया था उसे धीरे से इस तरह पलट लेंगे। बड़े को जल्दी जल्दी बनाते नहीं बनता है। आप इसी तरह दो से तीन ही बड़े एक बार में बनाएं। देखिए ये बड़े भी हमारे कितने अच्छे से सिक गए हैं। इसी तरह आप भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें, ज़्यादा समय नहीं लगता है। दो से तीन मिनट में आराम से ये पक जाता है। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, ज़्यादा हाई में ना रखें। पहले कटोरी में बता देती हूँ, इस तरह पहले पानी से कटोरी को ग्रीस कर लें, बेटर डालें और उसे थोड़ा चपटा कर लें और उसके बाद अपना मसाला भरें और उसके ऊपर में फिर से इस तरह बेटर डाल लें और उसे अच्छे से कवर कर लें और इसका साइज अच्छे से कर लें। देखिए इस तरह शेप दे दें इसे और धीरे से इस तरह आप छोड़ दें। ये बेज भी हमारा बनके तैयार है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आप गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखें और मीडियम फ्लेम में ही इस बड़े को बनाएं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे भी प्लेट में पकड़ लेंगे और इसी तरह सारे बना के तैयार करेंगे। एक बार जरूर बनाएं। मेरी स्टफिंग वाले बड़े बनके तैयार हैं। आप इसे मसाला बड़ा भी बोल सकते हैं। आप इसे गरम गरम खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ काट कर ये कितनी स्टफिंग से भरी हुई रहती है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ खाएं या यूं ही खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। घर में एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।